नमस्कार साथियों, कोई भी खेल मैदान हो, किसी भी स्ट्रेट लाइन का निर्माण करना हो, 3 4 5 का फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो सटीकता के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। 3 4 5 के फॉर्मूले को 90 डिग्री का एंगल निकालने के लिए काम में भी लिया जाता है। 3 4 5 का फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें यदि किसी भी खेल के मैदान की सेंटर लाइन को बेस लाइन ले ले तो हम लोग उससे दोनों तरफ बहुत इजीली दोनों हाफ का निर्माण कर सकते हैं, सबसे सरलतम तरीका कहा जाता है। लेकिन सबसे सरल होने के बाद, सबसे सटीक होने के बावजूद और सबसे ज्यादा प्रचलित होने के बावजूद इसके अंदर भी गलतियां क्यों आ जाती हैं, उसके ऊपर आज हम विश्लेषण करेंगे और किस तरह से गलतियों को दूर करें। तो देखिए, 3 4 5 का फॉर्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो जो छोटे खेल मैदान होते हैं, वॉलीबॉल जैसा, कबड्डी जैसा, खो खो जैसा, वहां पर एक लाइन की सटीकता, एक्यूरेसी एक हद तक सीधी जा सकती है। लेकिन अनइवन खेल मैदान होने से, लंबा खेल मैदान होने से, 3 4 5 मीटर की जब हम बात करते हैं तो 5 मीटर की लाइन से अगर हम 90 डिग्री का एंगल निकालते हैं और हम जब उस 90 डिग्री को उस 5 मीटर की चाप से सीधा लेकर जाते हैं तो बहुत संभव तरीके से यह कहा जा सकता है कि मैदान की सतह असमतल होने से, प्लास्टिक की रस्सी में खिंचाव या तनाव बल में अप्रत्याशा होने की वजह से कहीं ना कहीं चूक हो जाती है खींचने में, ढील करने में या मार्क करने में। जब अगर 5 मीटर पर जहां 90 डिग्री का स्पॉट है वहां से अगर 1 सेंटीमीटर पॉइंट डिस्टर्ब होता है तो वह 50 मीटर पर जाकर 5 सेंटीमीटर डिस्टर्बेंस में आ जाता है। और 5 सेंटीमीटर का मतलब है 2 इंच की मैदान में गड़बड़ आना, मतलब आपका मैदान दाएं से बाएं में 2 इंच टेढ़ा हो गया। अब इसको कैसे सीधा करना है, तो देखिए सीधी सी बात है, अनुपातिक रेशो को ही प्रयोग में कीजिए। 3 4 5 को जब आपने प्रयोग में लिया है, 3 4 5 से आपने शुरुआत कर दी, आगे आपको एक काम और करना है, 30 40 50 की चाप और लगानी है। मतलब एक बार 3 4 5 मीटर ले लिया, सेम आपको 30 40 50 मीटर का एक नया चाप और बनाना है। तो अब जो चाप 5 मीटर और 50 मीटर के अंदर से होकर निकलेगी उसमें प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर की गलती की ही चांसेस होगी और प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर तक फिजिकल एजुकेशन में नेगोशिएबल है, छूट दी जाती है, लेकिन 10 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो आगे से आपको क्या करना है, 3 4 5 के बाद 30 40 50 को भी लगाना है और फिर आपको रस्सी को 5 मीटर और 50 मीटर के बीच में से, 3 मीटर और 30 मीटर के बीच में से, 4 मीटर और 40 मीटर के बीच में से निकालना है, जिससे गलती नहीं होगी या होगी भी तो 0.001% के बराबर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।